शहर के सेंदा रोड सोहर नगर स्थित दिव्य ज्योति विशेष विद्यालय में सोमवार को स्वाधीनता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। उपखंड अधिकारी राहुल जैन तथा डिप्टी सुमित महेड़ा ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। ध्वजारोहण के पश्चात अपने उद्बोधन में SDM जैन ने दिव्यांग बच्चों की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि आप अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझे, ईश्वर ने आपको अतिरिक्त क्षमताएं दी है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों में अपार क्षमताएं होती है, बस जरूरत है तो उन्हें तराशने की। इस दौरान SDM जैन ने विद्यालय प्रबंधन की सराहना करते हुए प्रशासन से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। समारोह के दौरान उपस्थित सभी को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए डिप्टी सुमित महेड़ा ने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाने के संस्था के प्रयास की सराहना करते हुए उन्होंने भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान SDM जैन ने सपत्नी तथा डिप्टी महेड़ा ने दिव्यांग बच्चों के साथ नीचे बैठकर उनसे बतियाते हुए अपने अनुभव उनके साथ शेयर किए। कार्यक्रम के दौरान समारोह के मुख्य अतिथि पुनीत टवानी ने विद्यालय प्रबंधन के 1,00,000 रुपए की सहायता राशि भेंट करने की घोषणा की। इस दौरान लायन गोपाल दानी, राजेश हेड़ा, राकेश मोहता, हीरालाल गुलेच्छा, पुलिस मित्र राजेंद्र सोनी, ऋषि लांबा, महावीर कुमावत तथा जानवी भारवानी ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान लायंस क्लब यूनिक की ओर से विद्यालय के बच्चों को पाठ्य सामग्री भेंट की गई। इस मौके पर दिव्यांग बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। इसे पूर्व संस्था अध्यक्ष विमल चौहान सहित अन्य सदस्यों ने सभी अतिथियों का आभार जताया।